मामी फिल्म फेस्टिवल 2023, जानवी कपूर कॉर्सेट ड्रेस में रेड कारपेट का मालिक है। मानुषी छिल्लर साड़ी में बहुत सुंदर लग रहा है। जानवी कपूर और मानुषी छिल्लर, शालिन भनोट, टीना दत्ता, सवे चावला, जिया शंकर के अलावा सयानी गुप्ता भी शुक्रवार को ममी महोत्सव में शामिल हुए। जानवी कपूर इन दिनों एक के बाद एक आश्चर्यजनक उपस्थिति डाल रहे हैं। अभिनेता ने शुक्रवार को ममी फिल्म फेस्टिवल 2023 में एक बेज कॉर्सेट गाउन में रेड कारपेट चलाया, जिसे उनके प्रशंसकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। वह वर्तमान में जूनियर एनटीआर के साथ अपनी फिल्म देवरा पर काम कर रही है। जानवी कम से कम आभूषण के साथ एक टिमटिमाना कॉर्सेट गाउन में मामी फिल्म फेस्टिवल के लिए पहुंचे। वह अपने बालों को एक ढीले गोखरू में बांध दिया था। वह सब मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह पपराजी को लहराया था। उसके लुक पर प्रतिक्रिया करते हुए एक प्रशंसक ने कहा, बावल लेग रही हो जानवी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक अन्य ने लिखा, तो देखो वाह। एक और ने कहा, वह एकदम सही है। एक टिप्पणी भी पढ़ी गई, ये चांद सबसे अलग एच की सुंदरता दूसरों से अलग है। किसी ने ये भी टिप्पणी की कि कॉर्सेट गाउन कितना तंग था। इतनी तंग पोशाक में ये सांस कैसी लेती होगी, वह इस तरह की तंग पोशाक में सांस कैसे लेती है, एक ने पूछा। अभिनेता और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वह एक झिलमिलाती लगाम ब्लाउज के साथ एक गुलाबी साड़ी में सुंदर लग रही थी। वह अपने बाल एक साफ सुथरी बन में बंधे थे। सर्वेक्षण चावला को एक मुद्रित पोशाक में देखा गया था, जबकि सयानी गुप्ता एक काले ब्लेजर ड्रेस में रेड कारपेट पर गए थे। टीना दत्ता, जिया शंकर और शालिन भनोट को भी देखा गया। जानवी को आखिरी बार इस साल नितेश तिवारी के बावल में देखा गया था। उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म में वरुण धवन के साथ अभिनय किया। वर्तमान में अपनी किटी में तीन फिल्में हैं, जिनमें से दो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में हैं। उनमें से श्री और श्रीमती माही राजकुमार राव के सामने हैं, जिसमें वह एक क्रिकेटर की भूमिका निभाती है। एक और उज है, जो गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यू के साथ एक थ्रिलर है। इसका निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुधांशु सरिया द्वारा किया गया है। वह वर्तमान में देवरा के लिए फिल्म कर रही है, जो तेलुगु उद्योग में उनकी शुरुआत को चिन्हित करेगी। इसमें टिटुलर रोल सैफ अली खान, प्रकाश राज, श्रीकांत, शाइन टॉम चाको, नारायण कलायार सिंह, मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह में भी जूनियर नटर भी शामिल है। ये 5 अप्रैल 2024 को 5 भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित है।